यार दीवानों मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं वो कौन अरे दीवानों मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ। साल का पहला दिन 2023 का नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और आज हम आ चुके हैं अवध सत्तू का नाम आपने बहुत सुना होगा। अवध सत्तू के खाने के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नमकीन है और 35-40 प्रोडक्ट हैं अभी। और अवध सत्तू ने पूरे भारत में जिस तरीके से पकड़ बनाई है, ये खाने का जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे बिहार से लेकर राजधानी भारत की दिल्ली में पहुंच चुका है। और यहां पर आज अवध सत्तू के मालिक से भी मिलवाएंगे हम और अवध सत्तू को चाने वाला लिट्टी चोखा का मजा भी आपको दिलवाएंगे। जिस तरीके से लिट्टी चोखा एक बिहार की पहली पसंद है, खाने का एक प्रोडक्ट है, और आज हम उसका भी मजा लेंगे, लिट्टी चोखे का भी। जिस तरीके से यहाँ पर लिट्टी चोखी बनाई जा रही है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर ये लिट्टी चोखा तैयार हो रहा है, जिस तरीके से इसका नाम है। और हमारे साथ ये आनंद प्रकाश डॉन भी मौजूद है और बहुत सारे अवध सत्तू को चाहने वाले यहाँ पर आज मौजूद हैं। कलाकार भारत के कोने कोने से, दूर दूर से कलाकार है वो आए हुए हैं और आज हम आपको मिलवाएंगे और बताएंगे अवध सत्तू के बारे में और लिट्टी चोखा के बारे में। तो आइए देखिए, मज़ा लीजिए लिट्टी चोखा का, जिस तरीके से पूरे भारत में अवध सत्तू ने अपनी पकड़ बना ली है। और बहुत सारे कलाकारों से मिलवाने वाले हैं आपको। जो एंकरिंग कर रहे हैं वो आनंद प्रकाश डॉन जी हैं, जो कि एक सिंगर हैं, बॉलीवुड सिंगर है, और इनकी ब्रांड एम्बेसडर है नेहा श्री, वो भी आप देख रहे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। और बहुत सारे जो इनके चाहने वाले हैं, सहयोगी हैं, उनके गाने गाते हैं रवि सिंगर जी से भी मिलवाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। पहले बना रखा है मुझे और काफी सारी फिल्म मैंने की है, लेकिन जो गुप्ता जी का प्यार है और जो दीदी का प्यार है वो मुझे बार बार यहाँ पे ले आता है। मैं एक्चुअली वैसे पंजाबी हूँ, हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन 12 साल से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे काम कर रही हूँ। सारी लाल जी और मेरी फिल्म एक ही साथ हम लोग लॉन्च हुए थे, बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं। और रही बात डायलॉग की, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, का जी अकेले अकेले लिट्टी चोखा खाई बाकी हमरा के भी खिलाई बा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर हर साल हमें यहाँ पर बुलाते हैं और दिल्ली के अंदर क्या, दिल्ली के बाहर भी इन्हें सब जानते हैं। अवध सत्तू के नाम से यहाँ पर काफ़ी मशहूर है अंकल जी हमारे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्यार देते हैं, काफ़ी अच्छा संस्कार देते हैं हमें और हर बार हमें बुलाते रहते हैं। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा एक बार इनके लिए, और एक बार मैं चाहूँगा हमारी टीम इनके लिए एक बार ताली बजाए जोर से। जैसा कि मैं कह चुका हूँ और चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो हमें कवरेज कर रहे हैं मेरे साथी हैं, मीडिया से हैं काफ़ी सालों से, पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं, और हमबीर सिंह जी जो इस चैनल के CEO हैं यानी कि चीफ एडिटर हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं और अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, एक कलाकार भी हैं, कलाकार उन्होंने कलाकारी इज्जत भी करते हैं। आप इन्होंने काफ़ी फिल्मों में आपको देखा होगा और काफ़ी सॉन्ग में मैं देखा होगा, बिगड़े औलाद में उन्होंने एज ए भाई का रोल किया है। और बस एक मीडिया अपना शौक़ है, मीडिया से लोग कवरेज करते हैं, कलाकार करते हैं, लेकिन आज जो पर आए यहाँ पर मेरे कहने पर, मैंने कहा चलो आपको मैं लिट्टी चोखा का मज़ा दिलवाता हूँ, और मज़ा भलसपा डेयरी में मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, जहाँ पर अवध सत्तू जी रहते हैं। और गुप्ता जी जिनका नाम है शशिकांत गुप्ता जी, और 2004 से इस कंपनी को चला रहे हैं और मुझे इतना प्यार मिलता है, तो मैं बस एक जुबान पर चलाता हूँ, ये प्यार है जो सब यहाँ पर आए हैं और आप भी ये प्यार की बदौलत आए हैं। दोस्तों इस चैनल को जो देख रहे हैं, नई सुबह जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके सामने एक कप चाय होती है और मुँह से निकलता आहा नई सुबह है। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, और अगर कोई थोड़ी सी आपको परेशानी है तो कमेंट्स में जरूर करना नीचे का सर इसको थोड़ा, क्योंकि हम आपकी सुझाव भी हम जरूर चाहते हैं चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहूँगा, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, शुरू हो चुकी है 1 तारीख, कि हम फूल हैं तरह तरह के, रवि भाई हम फूल हैं तरह तरह के, मगर गुलिस्तान तो एक है, मजहब जुदा जुदा सही मगर हिंदुस्तान तो एक है। इन शब्दों के साथ सभी को जय हिंद जय भारत। अभी हम आए हुए हैं भलसवा डेयरी में और आपने देखा होगा, सुना होगा कि बिहार से लेकर दिल्ली भारत की राजधानी में भी जो नाम है अवध सत्तू के नाम से, उनके मालिक है हमारे साथ गुप्ता जी, और वहाँ पे जो हमारे साथ बहुत ही बड़े बड़े मेहमान मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर राकेश है जी। डॉक्टर जी क्या बताना चाहेंगे आज नए साल के उपलक्ष्य में? आप नए साल में मैं सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पहले,
ये अवध सत्तू जो हैं गुप्ता अंकल, मैं इनको तकरीबन 3 साल से जानता हूँ। ये काफ़ी विनम्र स्वभाव के हैं और सबसे मिलनसार हैं। आज हमने लिट्टी चोखा का प्रोग्राम के लिए हमें इनवाइट किया था, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर आप बताइए अपना परिचय। हाँ, मैं मनोज कुमार शाह, मैं यहाँ पर अपने स्कूल का मतलब अपना स्कूल का व्यवसाय है मेरा, और मैं विगत कई वर्षों से ये गुप्ता जी को यानी अवध सत्तू को बहुत प्यार और स्नेह से मैंने देखा है। इनको हमें हर एक साल कोई करना कोई प्रोग्राम करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, ये हमेशा 2000 मैं समझता हूँ सन 2000 से या 2004 से लगातार ये सत्तू लिट्टी का जो प्रोग्राम करते हैं ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो लिट्टी जो बनता है सत्तू से वो बिहार से चलकर दिल्ली तक आई है, और ये लिट्टी का स्वाद हम दिल्ली वालों को भी गुप्ता जी दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली वाला भी इस लिट्टी के बारे में जानना शुरू कर चुके हैं, वरना ये बिहार की जो परंपरा मतलब हमारा जो खान पान है उसको इन्होंने जीवित रखा और दिल्ली में आकर के सभी लोगों को चखवाया। क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी के बारे में? हाँ, मेरा नाम रामकिशन बंसीवाल है और मैं एक्स चेयरमैन सिविल लाइन जोन। गुप्ता जी से मेरा संबंध करीबन 2 साल पहले हुआ था, और गुप्ता जी का जो प्रोडक्ट है अवध सत्तू, ये अच्छा फूड है। अभी जैसे मनोज जी ने बताया कि पहले केवल बिहार के अंदर ये पॉपुलर था, लेकिन जब से दिल्ली के अंदर छठ मैया की पूजा शुरू हुई तो गुप्ता जी ने इस प्रोडक्ट को दिल्ली में भी लॉन्च किया, और अवध सत्तू एक अच्छा है और लिट्टी चोखा के साथ हम इसको खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको हमारी शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो अवध सत्तू के नाम से जो दिल्ली में आपने धूम मचा रखी है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? सबसे पहले नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और सबसे पहले जो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया ने बोला कि सत्तू सबको खिला रहे हैं, एक्चुअली सत्तू मुझे खिला रहा है, आज सत्तू जो है मेरा रोजी रोटी का जरिया बन गया है। तो गुप्ता जी, जिस तरीके सत्तू के नाम से जाना जाता है दिल्ली में, भारत की राजधानी में, क्या ये सत्तू के अलावा क्या क्या प्रोडक्ट हैं अवध सत्तू में? सत्तू के अलावा नमकीन है और भुने हुए चने हैं, मीठी खीर, इलायची दाना, करीब करीब 30 प्रोडक्ट हैं। अच्छा, 30 प्रोडक्ट हैं अपने। हमारे साथ डॉन जी हैं जो कि जूनियर अमिताभ के नाम से जाने जाते हैं। डॉन साहब, क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से यानी कि नई सुबह के माध्यम से सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मेरे साथ काफ़ी टीम है, मेरे साथ में निशु जी बैठी गाती हैं, और अवध सत्तू क्योंकि मैं गुप्ता जी को लगभग 15 साल से जानता हूँ, गुप्ता जी के साथ मैंने काम भी किया है, थोड़ा सेल्स का काम भी किया है, थोड़ा उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं, जब मैं एंकर होने के नाते और सिंगर होने के नाते तो एक प्यार है, तो मुझे बुलाते हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुझे लिट्टी चोखा खाने का मौका मिला, इतना स्वादिष्ट, इतना बढ़िया कि खाए जाओ और अवध सत्तू गुण गाए जाओ। क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी के प्रोडक्ट के बारे में? मेरा नाम राम गोपाल शर्मा है, वैसे मेरा भी एक ब्रज गोपाला के नाम से प्रोडक्ट आता है, धूप अगरबत्ती का। अच्छा। लेकिन मैं बड़ा एक प्रभावित हूँ गुप्ता जी से, मैंने इनको देखा पहली बार है, नाम खूब सुना है मैंने, प्रदेश से आके दिल्ली में आके अपना ब्रांड और एक पैर जमाना एक बहुत बड़ी बात है, इनकी मेहनत इनकी लगन का ये नतीजा है। मैंने इनको देखा आ जाए, मेरा भी ब्रांड करीब 25 सालों से बाजार में है, लेकिन मैं नाम से खूब जानता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है, दिल्ली जैसे राजधानी में इन्होंने अपने आप को पैर जमा के अपना व्यापार किया, और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम राम गोपाल गुप्ता है, मैं गुप्ता जी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे निशु जी गुप्ता जी के बारे में? सबसे पहले तो मेरा सब देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार। गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं भी फर्स्ट टाइम मिली हूँ, उनका नेचर देखा मैंने, बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छे इंसान हैं, बस यही कहना। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ललन कुमार शर्मा है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, इनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सभी इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। जैसा कि अभी हमने आपको अवध सत्तू के जो चाहने वाले हैं और उनके जो साथी हैं गुप्ता जी से भी बात करवाई, और बहुत सारे लोग जो उनके साथ हैं उनको जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिट्टी चोखा का मजा लिया और हमने भी मजा लिया, और आप ये वीडियो आप मीडिया नई सुबह के चैनल पर आप देख सकते हैं, और आज हमने आपको अवध सत्तू का जो नाम सुना था वो आज हमने उनके मालिक से भी मिलवाया आपको, और बहुत सारे जो चाहने वाले हैं उनके उनसे भी मिलवाया, बहुत सारे कलाकारों से भी मिलवाया। फिर आऊँगा किसी खास मेहमान के साथ, देखना ना भूलें, फेस टू फेस मीडिया नई सुबह दिल्ली। सबके हुके प्रणाम, हम हैं आपके अपन नेहाश्री, और आज नए साल का शुभ अवसर है, और गुप्ता जी हमेशा से लिट्टी चोखा पार्टी देते हैं,
वो सबको, गुप्ता जी एकता में विश्वास रखते हैं कि सबको मिलजुल के इंजॉय किया जाए, इसलिए आज मैं भी यहाँ आ गई हूँ। 9 to 10 years हो गए हैं मैं गुप्ता जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अवध नमकीन बहुत ही, मतलब आप बाकी नमकीन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक बहुत ऐसा ब्रांड है जो आप देखोगे कि आपको हर छोटी से छोटी दुकान पे मिलेगा। बड़ी ब्रांडिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, ये भी बड़ी ब्रांडिंग में भी जाता है, लेकिन ये एक लोकल बंदे की भी पसंद है ये हमारे। और ऊपर से जिस एरिया में ये है, यहाँ आप घर घर में अगर पूछोगे ना, मतलब आपको बाहर से पता लग जाएगा कि अवध जी की फैक्ट्री यहाँ पे है, घर यहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छा है, गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से सबको संजो के रखा हुआ है और गुप्ता जी का प्यार मिलता रहता है। और गुप्ता जी बहुत समाज सेवी भी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ इनके लिए कि किसी भी मंदिर में मतलब ज़रूरत पड़ती है प्रसाद की या किसी चीज़ की, तो गुप्ता जी बिना पैसे लिए अपनी मर्ज़ी से डोनेट करते हैं, और खुद जाके, ऐसा नहीं है कि वर्कर के हाथ, जबकि इनके नीचे कम से कम नहीं तो 50 लोग काम करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये खुद जाते हैं देखने के लिए कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इनकी एक बहुत खास बात है जो मुझे बहुत पसंद है। जी क्या कहना चाहेंगे? इनकी मानता है, मेरी तारीफ कर रही है, ठीक है, मैं तो इनकी तारीफ करता हूँ एज ए कलाकार। देखा जिस तरीके से अभी हमने गुप्ता जी से बात करी और नेहा श्री से बात की, जो उन्होंने बताया अवध सत्तू के बारे में। अवध सत्तू का नाम पूरी दिल्ली में है, भारत के कोने कोने में अभी अवध सत्तू फैल चुका है, दुनिया जान चुकी है। मैं हमबीर सिंह, मेरे सहयोगी आर के पटेल, मीडिया नई सुबह।